किया था डिप्रिसिएशन को लेकर। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया था कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है। आज हम लोग डील करेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को लेकर और उससे कुछ रिलीवेंट और कंसेप्ट। देखिए, टुडे इज डे 10, टुडे इज डे 10 एंड वी आर डीलिंग विथ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, देखिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको डील करते हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और टोटल चार ब्लॉक होते हैं। चार ब्लॉक होते हैं, क्या क्या ब्लॉक बताइए। तो पहला पहला आपका होता है बिल्डिंग, दूसरा आपका होता है प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड इज फर्नीचर एंड लास्ट वन इज इनटेंजिबल एसेट्स। लास्ट वन इज इनटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर में बहुत कुछ आते हैं। आइए आज हम लोग उसको डील करते हैं। मैंने आपको सेक्शन 32(1)(2) मैंने कहा था, उसमें क्या कहा था कि डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इन चारों एसेट्स पर। कब चार्ज होगा, जब होली और पार्टली ओन्ड बाय द एसेसी, ये मैंने आपको कहा था। फिर मैंने क्या कहा था, किसके ऊपर चार्ज होगा, ऑन द WDV ऑफ द एसेट्स, ऑन द WDV ऑफ द एसेट्स। WDV जो भी एसेट्स का जो WDV वैल्यू रहेगा उसके ऊपर चार्ज होगा। प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि WDV कैसे निकालते हैं, ओपनिंग एसेट्स एट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस सेल प्रोसीड्स ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपका आएगा ये आपका क्लोजिंग WDV होगा और उसी के ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन को निकालेंगे। उसे WDV से जो डिप्रिसिएशन निकालते हैं उसके बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट ईयर का फिर ओपनिंग WDV होगा, ये मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने क्या कहा था कि ये जो सेक्शन 32(1)(2) है, मैंने कहा था कि चार एसेट्स के ऊपर निकालते हैं, पार्टली एंड होली ओन्ड होता है, WDV के ऊपर डिप्रिसिएशन को निकालते हैं और डिप्रिसिएशन निकालते हैं एट अ प्रिस्क्राइब रेट, एट अ प्रिस्क्राइब रेट। जब कभी भी प्रिस्क्राइब रेट दिया हुआ है तो जरूर इनकम टैक्स रूल की तरफ रेफर किया। अभी देखिए इनकम टैक्स रूल में वो रेट आपका प्रिस्क्राइब किया हुआ है, क्या क्या रेट है, देखिए क्या क्या रेट है। डिप्रिसिएशन हम लोग किस रेट पर निकालेंगे वो आपका इनकम टैक्स रूल में कहा गया और देखिए क्या क्या रेट दिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब बताइए इसमें क्या क्या आएंगे। इसमें मैंने क्या कहा था, प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। आपको यदि याद होगा जो मैंने लास्ट जब बताया था सेक्शन 32(1) है, उसमें आपका कहा गया था कि जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आपका प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज पर चार्ज होगा। अब वो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज क्या है, सबसे पहला ब्लॉक क्या हो गया, सबसे पहला ब्लॉक आपका हो गया बिल्डिंग। सबसे पहला ब्लॉक क्या हो गया, सबसे पहला ब्लॉक हुआ बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने तरह के होते हैं, बिल्डिंग कितने तरह के होते हैं, बिल्डिंग तीन तरह के होते हैं। पहला आपका आ गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का रेट कितना हो गया, इसका रेट आपका हो गया 5%, 5% ऑन WDV, 5% ऑन WDV। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं क्या था, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है ओपनिंग WDV। ये मैंने आपको कहा था, सपोज कीजिए ये ए है, एट एसेट्स, एड एसेट्स, ये आपका बी हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो ए एंड बी, लेस क्या हो गया, लेस आपका हो गया सेल। ये जो सी होगा ये ए और बी से अधिक नहीं होगा और ये जो बचेगा ये आपका हो गया क्लोजिंग WDV, ये आपका हो गया क्लोजिंग WDV और इसके ऊपर हम लोग निकालेंगे डिप्रिसिएशन। इसके बाद जो जो बचेगा ये आपका होगा ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये लास्ट क्लास मैंने आपको डील किया था। वैसे WDVA का कंसेप्ट 43(6) में है, इसमें और अधिक कंसेप्ट है, इसमें और बहुत कुछ है, इसके ऊपर पूरा एक क्लास होगा वो, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास होगा, आज मैं डील नहीं करूंगा। आज जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बोल दूं कि इस तरीके से निकालते हैं। तो ये जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे ये क्या होगा, ये आपका परसेंटेज जो है ये इसी डिप्रिसिएशन का परसेंटेज है। किसके ऊपर निकालेंगे, क्लोजिंग WDV के ऊपर निकालेंगे। सपोज कीजिए यदि 1 लाख रुपीज है, सपोज कीजिए यदि रेसिडेंशियल बिल्डिंग 1 लाख रुपीज का है तो डिप्रिसिएशन 5,000 रुपीज का यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए। और जो बचेगा 95,000 वो नेक्स्ट ईयर का फिर ओपनिंग WDV में आ जाएगा।
क्लियर है। तो बिल्डिंग के ऊपर कितना हो गया, बिल्डिंग के ऊपर आपका 5% हो गया। अदर देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो आपका जनरल बिल्डिंग होते हैं जिसके अंदर फैक्ट्री बिल्डिंग आ गए, ऑफिस बिल्डिंग आ गए, होटल्स आ गए, वो सारे आ जाएंगे, उसका डिप्रेशन आपका हो गया 10%। और फिर क्या हो गया, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे बिल्डिंग बनाए जाते हैं जो स्पेशली प्लांट मशीनरी के लिए बनाया जाता है कि उसमें प्लांट मशीनरी को फिट किया जा सके। कुछ टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ वुडन बिल्डिंग होते हैं, कुछ वुडन बिल्डिंग होते हैं, इस सब के लिए क्या होता है, जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर हो गया उसके लिए आपका डिप्रेशन होगा 40%, उसके लिए डिप्रिसिएशन होगा 40%। अब बताइए कि आप, चलिए हम लोग आस्ते आस्ते डील करते हैं, फिर हम लोग पूरे इसमें डिटेल में लेके जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि आपने एक नया फैक्ट्री खोला, तो आपने क्या किया, आपने ये फैक्ट्री साइट को एक्वायर किया, ये एक पूरा खाली जमीन था, कुछ नहीं था इस पर, आपने इसको मिट्टी से भरा, मिट्टी से भर के इसके लेवल को ऊंचा किया। अब इसमें आपने रोड्स बनाए, ये आपका फैक्ट्री हो गया, ये आपका ऑफिस हो गया, ये गोडाउन हो गया, और इस सब के बीच में क्या हो गया, इस सब के बीच में ये आपका रोड्स हो गया, ये रास्ते हो गए। आपने जो ये रोड्स बनाए, तो क्या ये जो रोड्स है, इस रोड्स के ऊपर डिप्रिसिएशन क्या होगा, मैंने तो आपको सिर्फ चार ब्लॉक कहा था, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल, तो रोड तो इंटेंजिबल है नहीं, और रोड तब किस में आएगा, रोड तब बिल्डिंग में आएगा। आपने जो आपने एक्सपेंडिचर किया रोड बनाने में, वो आपका बिल्डिंग में आएगा। सपोज कीजिए आपने जब फैक्ट्री को बनाया तो आपके यहाँ पर पानी का बहुत इशू था, पानी ठीक नहीं था, पानी नहीं आता था, तो आपने यहाँ पर बोरवेल बनाया, आपने यहाँ पर पानी से कुआं बनाया, कुआं से आपने पानी को निकाला। आपको कुआं बनाने में टोटल खर्च हो गया 10 लाख रुपीज का, तो ये 10 लाख रुपए आपको आप कहाँ दिखाओगे, ये भी आपका बिल्डिंग का पार्ट आ जाएगा। समझ गए, एक डाउट आप लोगों को आ रहा था कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो कंपनी क्यों बनाएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंपनी बनाते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए वो लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे आप यदि टाटा में जाइएगा तो टाटा नगर बहुत सारे PSUs है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट डेवलप करते हैं, तो ये सारे के सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर में आ जाएंगे और उसका डिप्रेशन होगा 5%। यदि फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, तो 10%। लेकिन ऑफिस बिल्डिंग में, फैक्ट्री बिल्डिंग में जो आपने रास्ते बनाए, जो आपने कुएं खुदवाए, जो आपने बिल्डिंग के अंदर ब्रिज बनाए, जो आप ये सारे के सारे ब्रिज बनाए इंटरकनेक्टिविटी के लिए, ये सारे के सारे आपके बिल्डिंग के अंदर में आ जाएंगे, ये सारे बिल्डिंग के अंदर में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, अभी देखिए क्या आएंगे, मैंने फर्स्ट ब्लॉक मैंने बिल्डिंग को लेकर डील कर लिया, अब आपका सेकंड ब्लॉक क्या है, फर्नीचर बहुत ही सिंपल है, फर्नीचर के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन का रेट होता है 10%, फर्नीचर के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन रेट है 10%। थर्ड मैंने क्या कहा था, टोटल चार तरह के ब्लॉक होते हैं, हम सारे एसेट्स को इस चार ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आ गया बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी के अंदर में एक आपका आता है जनरल प्लांट मशीनरी। इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा, जो आपका जनरल प्लांट मशीनरी है उसका डिप्रिसिएशन आपका आएगा 15%। समझ गए। अब कुछ ऐसे प्लांट मशीनरी होते हैं जो रिन्यूअल एनर्जी डिवाइसेस में काम आते हैं, जैसे विंडमिल, रिन्यूअल एनर्जी डिवाइसेस। ये आप लोग के बुक में रहता है, इसके चार्ट्स रहते हैं, रिन्यूअल एनर्जी डिवाइसेस। इसमें जो आपका सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहले आपका आ गया विंडमिल, और आपका हो गया जनरेटर टू रन विंडमिल, जो जनरेटर का इस्तेमाल होता है विंडमिल के लिए, और जो विंडमिल जो होते हैं उसके ऊपर आपका डिप्रिसिएशन रेट है 40%। समझ गए। अब क्या आ गया, मोटर कार, मोटर बसेस, ये सारे जो होते हैं मोटर कार, मोटर बसेस जिसका इस्तेमाल करते हैं अदर देन हायर बिजनेस। जैसे मान लीजिए मेरे ऑफिस ने एक मोटर कार बाई किया फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ
मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस आने के लिए स्पेशली मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए बाई किया गया, या किसी सीएफओ के लिए बाई किया गया, तो ये क्या हो गया, ये हायर बेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस केस में इसका डिप्रिसिएशन आपका आएगा 15%। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, जैसे बिल्डिंग एक ब्लॉक हो गया, उस ब्लॉक के अंदर में तीन छोटे छोटे ब्लॉक हो गए, रेसिडेंशियल आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, फिर आपका जनरल बिल्डिंग हो गया, और थर्ड आपका हो गया टेम्पररी स्ट्रक्चर। वैसे ही प्लांट मशीनरी के अंदर में ये छोटे छोटे ब्लॉक हो गए, एक बड़ा ब्लॉक हो गया प्लांट मशीनरी, उसके अंदर में ये छोटे छोटे ब्लॉक हो गया, समझ में आ गया। तो मोटर कार अदर देन हायर बिजनेस, इसके ऊपर आपका है 15%। फिर आप देखिए मोटर कार, मोटर बसेस used in higher business, used in higher business, ये सारे different block बनेंगे, सारे different blocks बनेंगे, क्या हो गया, मतलब एक main block के अंदर में ये सारे blocks बनेंगे, A, B, C, D, ये सारे blocks के name हो गए। Motor car other than running on motor car buses used in higher business, इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपका आ गया 30%। देखिए books, बुक्स भी आपका प्लांट मशीनरी में आता है, बुक्स भी आपका प्लांट मशीनरी में आता है, और बुक्स का डिप्रिसिएशन है 40%, बुक्स का डिप्रिसिएशन है 40%। ऐसे ही आपका आते हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ये सारे के सारे सॉलिड वेस्ट, ये इस सबसे जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं उसके ऊपर आपका डिप्रिसिएशन रेट होता है 40%, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होता है 40%, समझ गए। ऐसे एक आपका और आता है कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आपका आता है 40%। मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को काट दिए, क्यों, इसमें अमेंडमेंट है, क्यों काट दिए वो थोड़ा देर बाद आपको मैं डील करता हूं। तो फॉर द आपका रूल में दिया हुआ है कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बट एक सॉफ्टवेयर अब इसके अंदर में नहीं आते हैं, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी का पार्ट होता है, मैं थोड़ा देर बाद डील करता हूँ, आज ही डील करूंगा। तो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो नहीं आएंगे, कंप्यूटर के ऊपर में कितना हो गया, कंप्यूटर के ऊपर में आपका आ गया 40%, कंप्यूटर के ऊपर में आपका आ गया 40%। ऐसे ही आपका एक आता है शिप्स, जो जहाज होते हैं ये भी प्लांट मशीनरी के पार्ट आते हैं, और शिप्स के ऊपर आपका होता है 20%, शिप्स के ऊपर हुआ 20%। ऐसे आपका आ गया ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स, जो ऑयल का जो कुआं होता है, ऑयल का जो खदान होता है, उसके ऊपर कितना आ गया, उसके ऊपर आ गया 15%, समझ गए। तो प्लांट मशीनरी के ये सारे पार्ट्स हो गए, जनरल प्लांट मशीनरी 15%, रिन्यूअल एनर्जी डिवाइसेस 40%, इसके अंदर में विंड मिल और जो 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 जनरेटर चाहिए उस विंड मिल को रन करने के लिए उसके ऊपर 40%। मोटर कार अदर देन हायर बिजनेस, मोटर कार अदर देन हायर बिजनेस 15%, एमडी का गाड़ी है 15%, ओला उबेर में गाड़ी रन कर रहा है तो 30%। जो बुक्स होते हैं सीए के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एवरी ईयर यदि देखा जाए तो मैं खुद ही मोर देन 10,000 का बुक मैं बाय करता हूँ, तो जो बुक्स होते हैं बुक्स के ऊपर आपका 40%, बुक्स के ऊपर 40%। जो एयर, जो एरोप्लेन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इसके ऊपर आपका 40%, इसके ऊपर आपका 40%। जो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर में आपका आ गया 40%, कंप्यूटर के ऊपर में आपका आ गया 40%, सॉफ्टवेयर को काट दिया हूं, ठीक है। शिप्स, शिप्स के ऊपर आपका आ गया 20%, और एक आपका आ गया ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स के ऊपर आपके आ गया 15%, ऑयल वेल के ऊपर आ गया 15%। अब बताइए जो आपने मोबाइल फोन बाय किया है उसके ऊपर कितना होगा, और या फिर ऐसा यदि मैं कहूं कि आपने कि जो टेलीफोन होता है, लैंडलाइन होता है, वो यदि आपने किया है, फिर पूरा इंटरकनेक्टिविटी आपने किया, सभी रूम को, सभी को इंटर क्या बोलते हैं उसको, जो फोन के थ्रू जोड़ते ना आपने, उससे पूरा जोड़ा है, जैसे
रिसेप्शनिस्ट फोन करेगा किसी अदर ऑफिसेस में, माने अदर डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, एचआर में, वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड जो लाइंस होते हैं उसमें भी तो आपने खर्च किया, तो क्या वो किसका पार्ट होगा? क्या वो कंप्यूटर का पार्ट होगा? क्या वो कंप्यूटर का पार्ट होगा? नहीं, वो आपका जनरल प्लान में से नहीं आएंगे। और डिप्रिसिएशन 15%। मोबाइल फोन, आपने फोन बाय किया, ये भी तो आपके एसेट्स हो गया, इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा? मोबाइल फोन का डिप्रिसिएशन क्या होगा? मोबाइल फोन का भी डिप्रिसिएशन होगा 15%, ये भी आपका जनरल प्लान में से नहीं आएगा। एक केस लो था, क्या मोबाइल फोन को या जो इंटरकनेक्टिविटी होते हैं, क्या मैं उसको कंप्यूटर मानूंगा और 40% का डिप्रेशन क्लेम करूंगा? आई थिंक ये फेडरल बैंक ऑफ इंडिया का एक केस लो था, उसमें कहा गया कि नहीं, ये सारे के सारे जनरल प्लांट मशीनरी के पार्ट आते हैं, ये सारे के सारे जनरल प्लांट मशीनरी के पार्ट आते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, या फिर आपका मदरबोर्ड हो गया, या माउस हो गया, ये सभी किसके पार्ट आएंगे? मॉनिटर हो गया, ये क्या कंप्यूटर के पार्ट आएंगे? तो हाँ, ये कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अलावे नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंप्यूटर का पार्ट आएगा। कंप्यूटर के अंदर में कंप्यूटर के एक्सेसरीज भी आ जाएंगे जो आवश्यक होते हैं कंप्यूटर को रन करने के लिए, समझ गए? तो ये सारे के सारे 40% के अंदर में आ जाएंगे, ये सारे के सारे 40% के अंदर में आ जाएंगे। एक कहानी मैं आपको बोलता हूं कि एक डेट आप लोग नोट कीजिएगा, 23 अगस्त 2019। इस ईयर में क्या हुआ था, गाड़ी का सेल पूरा खत्म हो गया था, लोग गाड़ी बाय ही नहीं कर रहे थे, लोग गाड़ी नहीं बाय कर रहे थे, कोई भी व्हीकल बाय करना नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बूस्ट करने के लिए, ताकि आप व्हीकल को बाय करो, एक स्पेशल आपको छूट दिया गया, एक स्पेशल आपको डिप्रिसिएशन क्रेडिट दिया गया। ये क्या पीरियड था, आप यदि गाड़ी बाई करते हो, आप यदि मोटर कार बाई करते हो, मोटर कार, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, आप यदि बाई करते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड 23 अगस्त 2019 to 31 मार्च 2020, समझ गए? यदि इस पीरियड में 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, यदि इस पीरियड में आप यदि गाड़ी बाई करते हो, मोटर कार बाई करते हो, और यदि उसका इस्तेमाल करोगे अदर देन बिजनेस, किस केस के लिए अदर देन बिजनेस, तो यदि इस पीरियड में यदि बाई करते हो तो क्या होगा, इस पीरियड में यदि आप बाई कर रहे हो तो आपका इस मोटर कार का जो 15% था वो इंक्रीज होकर आपका मिलेगा 30%। और जो आपका जिस मोटर कार का इस्तेमाल आप यदि कर रहे हो हायर बिजनेस में, और पीरियड क्या है, ये पीरियड आपका है, आप यदि मोटर कार बाई कर रहे हो 23 अगस्त 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले आप उसको बाई कर रहे हो और पुट टू यूज में ला रहे हो, नॉट ओनली एक्वायर ऑल्सो पुट टू यूज, आप यदि उसको पुट टू यूज में ला रहे हो तो जो पहला रेट 30% का था वो बढ़ के हो गया 45%। बट ये रेट आपको कब मिलेगा, ये रेट आपको तभी मिलेगा जब आप बाई करते हो इस पीरियड में, जब आप एक्वायर इंस्टॉल एंड पुट टू यूज करते हो इस पीरियड में। कौन सा पीरियड, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में आप यदि इसको बाई करते हो तब आपको मिलेगा, तब आपको जो मोटर कार अदर देन हायर बिजनेस उसका डिप्रिसिएशन होगा 30%, और मोटर कार बसेस यूज्ड इन हायर बिजनेस उसका मिलेगा आपको 45%। आइए आगे देखते हैं। तो हमने तीन ब्लॉक को डील कर दिया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, मैंने बिल्डिंग डील कर लिया, प्लांट मशीनरी डील कर लिया, फर्नीचर डील कर लिया। अब हम लोग डील करते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं KFC का शोरूम खोलूंगा, मैं KFC वाले को 50 लाख रुपीज दूंगा फॉर 10 ईयर्स, ये जो मैं पे कर रहा हूँ ये आपका फ्रेंचाइज फीस है, ये भी आपका इनटेंजिबल का पार्ट है। ऐसे ही आपके इसके अंदर आते हैं कॉपीराइट, देखिए जो आपका आ गया इनटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर में आपका आता है फ्रेंचाइज फीस, बहुत सारे आते हैं, मैं कुछ एग्जांपल से बोल रहा हूं, फ्रेंचाइज फीस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, पेटेंट, नॉन कंपीटिंग फीस, गुडविल, इसको विड्रॉ हो गया फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021।
अब गुडविल इसका पार्ट नहीं है, अब गुडविल इसका पार्ट नहीं है एक्सेप्ट गुडविल। तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में वो सारे आते हैं, फ्रेंचाइज फीस आते हैं, कॉपीराइट आते हैं, ट्रेडमार्क आते हैं, नो हाउ, पेटेंट, नॉन कंपटिंग फीस और गुडविल। तो गुडविल आपका अब गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट नहीं आता है, और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आपका 25% है। डिप्रिसिएशन का रेट कितना है? 25% है, एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल को लेकर मैं एक लॉन्ग क्लास में करूंगा, जिसमें क्या क्या इम्प्लीकेशन हुए थे फिनेंस एक्ट 2021 के थ्रू, वो मैं सब आपको बताऊंगा। समझ गए? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में फ्रेंचाइज, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, नो हाउ, पेटेंट, नॉन कंपटिंग फीस, ये सारे के सारे आपका इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में आते हैं, और दे आर एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डील करते हैं। तो मैंने कह दिया चारों ब्लॉक का रेट मैंने आपको बोल दिया था, पहला मैंने बिल्डिंग कह दिया, तो मेन हमारे चार ब्लॉक हो गए और बाकी सब सब ब्लॉक हो गए। तो जितने भी मैंने रेट कहे उस सारे के ऊपर उस सेम नेचर ऑफ एसेट्स एंड सेम रेट ऑफ डिप्रेशन वाले एसेट्स को हम लोग एक जगह क्लासीफाई करके रख लेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं डील करता हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपका रिलीवेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए पहला क्या है जो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको कहा था कि एक इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट है, सॉरी कंपनीज एक्ट में एक कंसेप्ट है कि आप यदि कोई एसेट्स बाई करते हो और उसका वैल्यू लेस देन 5000 होता है, उसका वैल्यू यदि लेस देन 5000 होता है, ये आपका कंपनीज एक्ट का कंसेप्ट है, वैल्यू यदि लेस देन 5000 है, तो आपको उसको ब्लॉक में लाने के, आपको उसको एसेट्स मानने की जरूरत नहीं है, आप उसका एक्सपेंसेस क्लेम कर लोगे, आप उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर लोगे। सपोज कीजिए आपने बाई किया कैलकुलेटर, पर कैलकुलेटर का फीस हो गया 1000 रुपीज, और आपने टोटल आपने बाई किया है 1000। समझ गए? तो ये क्या होगा, क्योंकि प्राइस इज 1000 रुपीज, प्राइस 5000 से बहुत कम है, तो आप क्या करोगे, आप कंपनीज एक्ट में इसको मान लोगे कि ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया एज द प्राइस इज लेस देन 5000 रुपीज। ऐसे कोई एक कंसेप्ट है, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ऐसा एक कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट है कि आप मटेरियलिटी को चेक करोगे और वैल्यू यदि 5000 या उससे अधिक होगा तभी आप उसको एसेट्स मानोगे और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। बट इनकम टैक्स में भी ऐसा कंसेप्ट हुआ करता था, बट ये विड्रॉ हो गया। तो यदि आपने कैलकुलेटर बाय किया तो ये भी आपका 15% के स्लैब में फॉल कर जाएगा, जनरल प्लांट मशीनरी में फॉल कर जाएगा, एंड द डिप्रिसिएशन रेट वुड बी 15%, 15% का डिप्रिसिएशन होगा। यदि आपने एसेट्स को रिवैल्यू किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकम टैक्स में आप तो कंपनीज एक्ट में तो आप ट्रीटमेंट करते हो, बट इनकम टैक्स में होगा नो ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं करोगे उसको, नो ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नो ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ऐसे ही आपका मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने कहा था, सॉफ्टवेयर क्या हो, देखिए कंप्यूटर तो इसका पार्ट है, कंप्यूटर तो आपके ऊपर 40% का मिलता है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को माना जाता है कि ये रॉयल्टी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज रॉयल्टी। अभी सब इतना समझ लीजिए, बाद में जब मैं जाऊंगा डिटेल में तो आपको बताऊंगा, जब हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में उस समय इसको मैं और अच्छा से डील करूंगा। ट्रीटेड एज रॉयल्टी एंड 100% डिडक्शन इज अलाउड, 100% डिडक्शन इज अलाउड, 100% डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 37(1) एक जनरल सेक्शन होता है कि जिसमें जो भी खर्चे होते हैं वो सबके सब जो किसी अदर सेक्शन में कवर नहीं होते हैं वो सेक्शन 37 में कवर होते हैं, वो आपका 37 में कवर होते हैं। तो समझ गए? तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रॉयल्टी माना जाता है एज पर सेक्शन 9 उसको रॉयल्टी मानते हैं, और ये आपका एलिजिबल एक्सपेंडिचर है अंडर सेक्शन 37(1). अब क्या होता ना, ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो रेट दिया गया, ये दिया गया एज पर इनकम टैक्स रूल,
बट ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रॉयल्टी माना है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द रूल, जो एक्ट होते हैं वो रूल्स के ऊपर प्रिवेल करते हैं, इसीलिए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये आपका खर्चा माना जाएगा, ये आपका खर्चा माना जाएगा, समझ गए। ऐसे ही एक आपका होता है, जैसे हम लोग जब अकाउंट्स करते हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अकाउंट्स को बनाते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स में ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ये आपका ICDS होता है, हम लोग ICDS को फॉलो करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं, एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, समझ में आया। इसका नाम क्या, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने मैंने क्या कहा था, आपको डिप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब वो एक्चुअली पुट टू यूज होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि मैंने एक फायर एक्सटिंग्विशर लिया था ताकि यदि कभी आग लगेगा तो मैं उसको उससे उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन क्या हुआ था, एक्चुअली वो पुट टू यूज हुआ ही नहीं क्योंकि साल भर में आग लगा ही नहीं। आप मुझे ये बताओ तो क्या मुझे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन डिप्रिसिएशन में क्या कहा गया था कि एसेट शुड एक्चुअली बी पुट टू यूज। अब यदि मुझको फायर एक्सटिंग्विशर पर डिप्रिसिएशन क्लेम करना है तो मुझे अपने फैक्ट्री में आग लगानी पड़ेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ICDS में ऐसे स्टैंडर्ड को, ऐसे एसेट्स को कहा गया स्टैंड बाई एसेट्स, जो आपका पुट टू यूज नहीं भी होते हैं फिर भी उनके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलता है। जैसे इसके अंदर में एक आपका आ गया फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे ही आपका आ गया जनरेटर, जनरेटर भी इसके अंदर में आते हैं। मैंने जनरेटर बाय किया था, यदि लाइट जाएगा तो जनरेटर का इस्तेमाल होगा, लाइट गया ही नहीं, तो लाइट जब नहीं गया तो क्या होगा, तो क्या इसके ऊपर मुझको डिप्रेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये सारे के सारे आपके स्टैंड बाय एसेट्स में आते हैं और इसके ऊपर डिप्रिसिएशन तभी मिलता है जब ये दे आर नॉट पुट टू यूज। डिप्रिसिएशन अवेलेबल इवन इफ Not put to use। मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहिए। एक ये था, दूसरा था कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो मशीनरी के साथ में कंज्यूम होते हैं। ये स्पेयर पार्ट्स हमारे स्टॉक का पार्ट रहते हैं और जैसे ही ये मशीनरी के साथ से कुछ रिंग हो गया, तो जो जैसे वो मशीनरी के साथ ये कंज्यूम होते हैं हम उसको एक्सपेंडिचर मान लेंगे, अदरवाइज वो किंतु हमारे बैलेंस में खड़ा रहेगा। मशीनरी parts shall be charged to revenue as and when it is consumed with machinery, while using machinery। देखिए ऐसे कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल इरेगुलर होता है। उस स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि वो मशीनरी में रोज इस्तेमाल हो, कंज्यूम हो, उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जो एक्सपेंसिव होते हैं और जो एसेट्स के लाइफ को इंक्रीज करते हैं, एसेट्स के लाइफ को या उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। उस केस में ये जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग कैपिटलाइज कर लेंगे। कुछ जगह का प्रॉब्लम था, आप लोग अभी भी नोट कर लीजिएगा, उसको हम लोग कैपिटलाइज कर लेंगे। समझ गए।
तो आईसीडीएस ने क्या कहा था, आईसीडीएस ने कहा कि कुछ ऐसे स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली पुट यूज नहीं होते, हमको उसके ऊपर भी डिप्रेशन मिलता है। कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मशीनरी के साथ में कंज्यूम होते हैं, जो मशीनरी के इस्तेमाल के साथ में कंज्यूम होते हैं, जितना मशीनरी के इस्तेमाल के साथ में कंज्यूम हो रहा है स्पेयर पार्ट्स, हम उसको रिवेन्यू में ट्रीट कर लेंगे, और अदरवाइज वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खड़ा रहेगा। समझ गए? जो कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर है, जैसे मान लो कोई एक बड़ा मशीन है, उसका मोटर हुआ, तो मोटर क्या करता है, उस एसेट्स के लाइफ को इंक्रीज कर देता है या उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। जो कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स है जो इरेगुलर है, एक्सपेंसिव है, और जो एसेट्स के लाइफ को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ऐसे स्पेयर पार्ट्स का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ऐसे स्पेयर पार्ट्स को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं और वो उसके ब्लॉक में ऐड हो जाता है, वो जिस ब्लॉक का है उस ब्लॉक में वो ऐड हो जाता है। देन थैंक यू फ्रेंड्स। टोटल डिप्रिसिएशन जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इतना ही, एक बार मैं आपको डील कर देता हूँ कि चार तरह के ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के अंदर में तीन पार्ट हो गए, एक मिनट रुक जाइए, बिल्डिंग के अंदर में तीन पार्ट हो गए। पहला हो गया 5% वाले जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 10% वाले और 40% वाले जो टेम्पोरी स्ट्रक्चर, वो 40%। तो वैसे ही आपका फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का रेट आपका 10% हो गया। थर्ड आपका हो गया प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी में बहुत सारे पार्ट आ गए, प्लांट मशीनरी में बहुत सारे पार्ट आ गए, जो आपका जनरल हो गया वो आपका हो गया 15%, और इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक्स हो गए, बुक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हो गया, रिन्यूअल एनर्जी हो गया, ये सभी के सभी सारे सारे रेट्स दिए, मोटर कार हो गया, ये सारे बहुत सारे रेट्स आपके दिए हुए थे जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में डील कर चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डील हुआ, जैसे रोड्स किस में आएगा, फिर आपका अपने कुआं बनाया, ब्रिजेस बनाया इंटर कनेक्टिविटी के लिए, वो किस में आएगा, वो सारे बिल्डिंग्स के पार्ट्स में आ जाएंगे। ऐसे मैंने प्लांट मशीनरी में कहा था जो ईपेक्स हो गया, ये आपका कैलकुलेटर हो गया, ये सारे जो हो गए मोबाइल फोन्स हो गए, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे प्लांट मशीनरी के जनरल वाले पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आईसीडीएस को लेकर भी डील किया था कि आईसीडीएस में जो स्टैंड बाय एसेट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और कुछ स्पेयर पार्ट्स को रिवेन्यू मानते हैं, कुछ को कैपिटलाइज मानते हैं। ये मोटा मोटी आपके लिए कंसेप्ट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।